पहले भी हम एक बार रिकॉर्ड किए थे तो उसमें हम गलती कुछ कर दिए थे। चलिए हम आपको दिखाएंगे क्या गलती इसमें किए थे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पे सुबह का काम कर रही हूँ, जैसे कि मेरा किचन रात को हम साफ करके नहीं रखे थे तो बस वही साफ कर रहे हैं, किचन टाइल्स वगैरह पूरा। गैस के नीचे भी कभी कभी दूध चाय ये सब गिर जाता है ना, अच्छे से साफ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो कॉकरोच हो जाता है ना। तो ये हम साफ कर रहे हैं, बस साफ कर लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। लॉकडाउन के वजह से इधर हम लोग के इधर पे जो है ना मार्केट जल्दी खुल जाता है, तो हस्बैंड दुकान गए थे तो लौटते वक्त सब्जी लेके आते हैं, बस 7-8 बजे तक आ जाता है सब्जी। तो ये सब्जी हम ठीक ठाक करके रख रहे हैं, धो के ही रखे हैं, तो फिर धोएंगे जब काटने बैठेंगे फिर धो लेंगे। तो अभी बस प्लास्टिक में सब डाल रहे हैं। जो सब्जी बनेगा वो सब साइड में रख रहे हैं और जो कल बनेगा वो सब अलग रख रहे हैं। बस मूली का साग भी अलग कर लिया है, मूली में अगर साग रहेगा तो मूली सड़ जाएगा, इसीलिए सब अलग कर रहे हैं। जैसे कि बैंगन, पपीता, बोरा ये सब बनेगा तो आधा इधर रख रहे हैं। पहले भी हम एक बार रिकॉर्ड किए थे तो उसमें हम गलती कुछ कर दिए थे। चलिए हम आपको दिखाएंगे क्या गलती इसमें की। नाश्ता मैं बनाऊंगी, देखिए क्या बनाऊंगी। पास्ता, सॉरी चाउमीन, चाउमीन बनाऊंगी। झटपट बना लेते हैं चाउमीन, फिर बात करते हैं आपसे। नाश्ता बनाऊंगी तो नाश्ता में बनाऊंगी मैं चाउमीन। तो और चलिए हम फटाफट अभी बना लेते हैं चाउमीन। ये जो चाउमीन है ना, थोड़ा सा कीड़ा था इसमें, कोका, कोका मतलब कीड़ा, छोटा छोटा कुछ कीड़ा था, इसलिए इसको अच्छे से गर्म पानी में इसको 5-7 बार धोना पड़ेगा। मैदा का है, बहुत दिन रखा हुआ था शायद इसीलिए कीड़ा हो गया है, तो थोड़ा अच्छा से धो लेते हैं। चलिए चाउमीन बना लेते हैं। कढ़ाई बैठा दिए हैं गैस के ऊपर, कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल डाल दिए है, तेल भी गर्म हो गया है। तो हम तो पहले हमेशा हल्दी डालते हैं, ये ऑप्शन है, आप लोग का मन, अगर मन हो तो डाल सकते हैं। हल्दी डालने से क्या होता है, तेल बाहर नहीं चटकता है। तो हम प्याज और टमाटर दोनों ही इसमें चॉप कर लिए थे मशीन में, तो दोनों ही एक साथ हम इसमें फ्राई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी डाल के इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है।
देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर यही सब डालेंगे एक एक करके। करने में दिक्कत आएगा इसलिए थोड़ा सा डालेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर डालेंगे, फिर इस तरह से मसाला को हिलाएंगे, इस तरह से ही पूरा कंप्लीट करेंगे। बताइए कैसा बना है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।